जिला बलौदाबाजार भाटापारा में कलेक्ट्रेट में हुई आगजनी मामले में 148 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें कांग्रेस के NSPY के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सूर्यकांत वर्मा का होना बताया गया है, जो उसे समय सूर्यकांत वर्मा अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए DK कॉलेज ग्राउंड में अपने मित्रों के साथ 10 मिनट रुकने के बाद वह कृष्णायड़ कॉलोनी में 3:40 को आना एवं उसके जाने का समय 7:00 CCTV फुटेज दिखाई दे रहा है। इस कारण कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का मानना है, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हितेन ठाकुर एवं शैलेश नितिन त्रिवेदी के द्वारा कथन बयान में बताया गया कि जिस समय कलेक्ट्रेट में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, उस समय सूर्यकांत वर्मा कृष्णायड़ कॉलोनी में ही था और उसको एक साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि निर्दोष है और पुलिस निर्दोषों को जेल में डाल रही है। यह कहते हुए कहा कि आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले निर्दोष बख्शे नहीं जाएंगे, परंतु जो निर्दोष है उनको पुलिस पकड़ कर जेल के अंदर डाल रही है, इसकी न्यायिक चार्ज की जाए। यह कहते हुए CCTV फुटेज में दिख रहा लड़का सूर्यकांत वर्मा नहीं होने की पुष्टि शैलेश नितिन त्रिवेदी द्वारा की गई है और उनका कहना है कि निर्दोषों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और कसूरवार को ढूंढ कर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला बलौदाबाजार भाटापारा से DD समाचार संवाददाता की रिपोर्ट। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट की घटना बेहद दुखद, गलत, अनुचित, हर प्रकार की हिंसा की घटना की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, ये बात हमने शुरू से स्पष्ट कर दी। लेकिन अपराधियों को पकड़ने के नाम पर अगर निरपराध और निर्दोषों पर कार्यवाही की जाएगी तो यह स्थिति स्वीकार नहीं। बलौदाबाजार में भाजपा की सरकार अपनी नाकामी को थोपने के लिए निरपराधों और निर्दोषों पर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में हमारे NSUI के अध्यक्ष श्री सूर्यकांत वर्मा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय योजना NSS के अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें अनेक बार पुरस्कार मिला है, जो परीक्षा दे रहे हैं, घटना के एक दिन पहले परीक्षा दे रहे थे और 4 तारीख को फिर उनका पेपर है, ऐसे व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गंभीर आपराधिक धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उसकी गिरफ्तारी के पहले मुझे भी, रुपेश भाई को भी, पुलिस ने आश्वस्त किया था कि अगर वो निरपराध होगा तो हम उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, किसी निरपराध पे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन सूर्यकांत वर्मा पे कार्यवाही होना ये स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा सरकार के इशारे पे कांग्रेस के पदाधिकारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है। यह स्वीकार्य नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और माननीय पत्रकार जगत से हम सहयोग मांग रहे हैं। अगर हमारी बात सही है तो इस बात को आप लोग पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि किसी का भविष्य, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी षड्यंत्र सफल न हो, खासकर राजनीतिक कारण। क्या देवेंद्र यादव जी के साथ में उनकी मौजूदगी थी इसलिए पुलिस उठा रही है? निश्चित रूप से देवेंद्र यादव के साथ सूर्यकांत वर्मा मैदान में गए थे, लेकिन देवेंद्र यादव के जाने के बाद वे गार्डन चौक से होते हुए कॉलेज के क्रिकेट मैदान में क्रिकेट टीम में खेल रहे अपने कुछ साथियों से मिलते हुए उनको छोड़ते हुए कृष्णायन आ गए थे और वीडियो फुटेज इसको स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। 3:40 पे भी कृष्णायन आ चुके हैं, 7:00 यहाँ से निकल रहे हैं और उनके द्वारा किसी भी आपराधिक घटना का संलिप्त होने का न कोई गवाह सामने आया है, न कोई उनका लोकेशन सामने आया है, उन्हें दोषी ठहराना पूरी तरह से गलत है। वीडियो फुटेज के और CCTV फुटेज की बात की जा रही है कि पुलिस के पास है, तो वो अभी तक हालांकि सामने नहीं आया है, क्या आप लोग तक कुछ आया है? पुलिस प्रशासन के द्वारा वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो फुटेज की जिसकी जानकारी मिली है जिसमें सूर्यकांत जैसे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति वहां दिख रहा है, तो सूर्यकांत का टावर लोकेशन इस बात को दिखाता है कि वो वहां नहीं गया था। पूरी क्रिकेट टीम इस बात की गवाही है कि वो मैदान में आया था और 10 मिनट क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ रहा है। दूसरी बात, उस वीडियो फुटेज में जूते दूसरे हैं, वो कोई दूसरा व्यक्ति है और अगर उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा चेहरे से भी
कि वो सूर्यकांत नहीं है। सूर्यकांत को निर्दोष अकारण केवल राजनीतिक कारणों से दोषी बनाया जाए। कांग्रेस इसको लेकर के क्या आगे करने वाली है? कांग्रेस इस मामले में पुलिस प्रशासन से हमने उस दिन मुलाकात की थी, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी जाके मिले थे, हम लोग और मिलेंगे और इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखेंगे कि दोषियों का जीवन बर्बाद ना किया जाए, सॉरी निर्दोषों का जीवन बर्बाद ना किया जाए, निर्दोषों पर ऐसी कोई कार्यवाही ना। कांग्रेस के और भी लोग फरार हैं, उन पर जो भी फरार है, अगर पुलिस ने इस मामले में सही जांच की होती और निर्दोष को दोषी बनाने की कोशिश नहीं की होती तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति स्वयं आता और पुलिस के आगे प्रस्तुत हो जाता। पुलिस ने खुद ही एक निरपराध और निर्दोष को अपराधी बना के, आरोपी बना के, उनके वापस लौटने और सही जांच होने के रास्ते को बंद कर दिया। भाजपा के लोगों की मंच पे मौजूदगी पर भी सवाल उठते हैं। भाजपा के लोग मंच में मौजूद थे और इस आयोजन की व्यवस्था से भी भाजपा के लोगों के जुड़े होने के सबूत और साक्ष्य सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का सत्ता संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भाग प्रतिभाग की चाल इस घटना के लिए उत्तरदायी है। समाज को और सूर्यकांत वर्मा जैसे निर्दोष युवकों को तो मोहरा बनाया।